राजधानी रायपुर से खबर, जहां मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास पर यह बैठक हो रही है, जिसमें मंत्री अनिला भेड़िया, उमेश पटेल, शिव डहरिया मौजूद हैं। डीजीपी सहित अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। राजनीतिक प्रकरण वापसी मामलों के संबंध में चर्चा हो रही है। और भी कई अन्य मसले हैं, विषय हैं, जिन पर इस बैठक में चर्चा होना है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास पर उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। डीजीपी सहित अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। गृहमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त चल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे संवाददाता कुलेश्वर पांडे का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। कुलेश्वर, क्या जानकारी इस बैठक से जुड़ी? देखिए, मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक हम शुरू हो गई। आपको बता दें, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास में बैठक हो रही है। इसमें शिव डहरिया मंत्री शामिल है, अनिला भेड़िया शामिल है और डीजीपी भी इसमें शामिल है। मुख्य रूप से बैठक का जो एजेंडा है वो राजनीतिक प्रकरण, तो तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर, विपक्ष में रहते हुए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनके ऊपर जो राजनीतिक प्रकरण दर्ज हुए थे उनके वापसी को लेकर जो है ये बैठक में मुख्य रूप से चर्चा होगी। क्योंकि बीते दिनों कार्यकर्ता की काफी नाराजगी जो है देखने को मिली थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब हम विपक्ष में थे तो हमारे ऊपर राजनीतिक प्रकरण दर्ज हुए थे और 3 साल सरकार को होने के बाद भी जो है कांग्रेस उसमें पहल नहीं कर रही है। उसको देखते हुए आज ये अहम बैठक रखी गई। निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ताओं के ऊपर राजनीतिक प्रकरण दर्ज हुए थे उसको लेकर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी, कौन कौन से प्रकरण वापस लिए जा सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए इस खबर पर।